हाय फ्रेंड, नमस्ते। मैं तो अशोक राज। आज हम लोग का क्या देखने के लिए जा रहा हूँ, टीडीएस मतलब क्या है और टीडीएस का हम लोग को कैसे जो मेजर कर सकता है, फिर टीडीएस को हम लोग को कैसे जो कंट्रोल कर सकता है, फिर टीडीएस को हम लोग को कैसे एक्सप्रेस कर सकता है, हम टीडीएस को स्टैंडर्ड क्या है, सब कुछ ये वीडियो में देखने के लिए जा रहा हूँ। उसका पहले आप अभी तक मेरा वीडियो को मतलब मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कर दीजिए। सो ऐसा आप करने से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग HVAC सभी के बारे में हम लोग को वीडियो डालते रहेगा, ठीक है। आपको आपके लिए वो कुछ आपको कुछ नॉलेज होगा, ठीक है। अभी चलेंगे TDS मतलब क्या है, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स। सो TDS, अभी आप एक ग्लास का पानी ले लो, वो पानी को एक ग्लास का पानी ले लो, जो पानी लेके उसमें आप देखो, देखने से आपका हाथ को हाथ से आप वो मतलब क्या है दिखा नहीं सकता है, मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसमें रहेगा, लेकिन हमारा आई से हम लोग को आग से हम लोग को उसको दिखा नहीं सकता है, वो सब्सटेंस हम लोग को दिखा नहीं सकता है। मतलब TDS मतलब क्या, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स एंड इट रिप्रेजेंट द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एज वेल एज द स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब क्या है, मतलब साल्ट। साल्ट में क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज्ड कैटायन एंड नेगेटिव चार्ज्ड एनायन, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज्ड कैटायन में क्या है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, सब कुछ का है पॉजिटिव चार्ज्ड कैटायन में आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज्ड एनायन में क्या आएगा, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, सब कुछ क्या है नेगेटिव चार्ज्ड एनायन में आ जाएगा, ठीक है। मतलब TDS मतलब क्या बोल के अभी आपको हमारे हाथ से जो दिखा नहीं सकता है, जो पानी में इनऑर्गेनिक कंटेंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट रहेगा, वही TDS, ठीक है। अभी TDS को हम लोग कैसे जो मेजर कर सकता है, वो TDS को हम लोग मेजर करने के लिए एक मीटर होता है, वो क्या है, TDS मीटर। इसका क्या है नाम, क्या है, TDS मीटर, और नहीं तो इसको अवर एक नाम भी बोल सकते हैं, पोर्टेबल कंडक्टिविटी मीटर। मतलब TDS मीटर का अवर एक नाम क्या है, पोर्टेबल कंडक्टिविटी मीटर में हम लोग को TDS वैल्यू हम लोग को मेजर कर सकते हैं। मतलब कुछ नहीं, जो ऐसे वाला जो ये है ना, ऐसे वाले रहेगा, हम लोग को इसका टक्कन को खोल के ऐसा पानी में लगाने से उसमें TDS वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। उसके बारे में अलग वीडियो में डालता हूँ। फिर दूसरा क्या है, TDS को हम लोग कैसे जो कंट्रोल करेंगे, जो TDS को कंट्रोल करने के लिए हम लोग को क्या कर सकता है, RO लगा सकता है। RO लगा के हम लोग को TDS का वैल्यू को कम कर सकता है। मतलब RO क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। सो रिवर्स ऑस्मोसिस में हम लोग को क्या प्रॉब्लम है, अभी क्या है, अभी मान लीजिए उसमें रिजेक्ट वाटर ज्यादा है। रिजेक्ट वाटर मतलब क्या है, अभी देखो आपको एक लीटर का RO वाटर आप लोग को चाहिए, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, 2 लीटर का पानी वेस्ट हो जाएगा। मतलब अब 3 लीटर वाटर RO में प्रोसेस को जाएगा, तो 1 लीटर आप यूज कर सकता है, 2 लीटर रिजेक्ट वाटर आएगा, उसमें बहुत TDS रहेगा, ज्यादा वाला TDS रहेगा, ठीक है। इसलिए ये ड्रॉबैक है, मतलब जो TDS को जो कम करने वाले जो प्रोसेस बोलता हूँ ना, वही प्रोसेस में। दूसरा क्या है, TDS को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब कैसे हम लोग को डिनोट करेंगे। मतलब TDS को जो यूनिट आता है ना, जो यूनिट में PPM में आदमी बताता है, मतलब PPM मतलब क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। सो पार्ट्स पर मिलियन में हम लोग को आदमी को सभी आदमी उसका नाम भी बोलता है, अवर क्या है, मिलीग्राम पर लीटर, MG पर ईयर, दोनों एक ही है। मतलब एक PPM इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। सो TDS का जो यूनिट क्या है, PPM और नहीं तो मिलीग्राम पर लीटर। अभी हम लोग स्टैंडर्ड को आएंगे, जो स्टैंडर्ड में क्या है, EPA। EPA मतलब क्या है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। EPA मतलब क्या है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ये तो US स्टैंडर्ड है, इसी का स्टैंडर्ड का हिसाब से आपका जो ड्रिंकिंग वाटर में 500 PPM का ऊपर नहीं रहना चाहिए। लिमिट क्या है, 500 का अंदर जो आपका लेवल रहना चाहिए। दूसरा क्या है, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। सो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में भी क्या है, इसका एज पर BIS स्टैंडर्ड 500 PPM आपको ड्रिंकिंग वाटर में रहना चाहिए, उसका नीचे रहना चाहिए, उसका एक्सेप्टेबल लिमिट वही है। दोनों में एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है, 500 PPM। दूसरा क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, आप लोगों 1200 PPM तक आप इसका नीचे तक क्या ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन 1200 का ऊपर जाएगा तो क्या ये अनएक्सेप्टेबल है। मतलब ड्रिंकिंग वाटर में 1200 का ज्यादा जाएगा तो अनएक्सेप्टेबल एज पर दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, 300 से 600 PPM जो रहता है ना,
टीपीएम जो टीडीएस रहता है वही क्या है गुड बोल के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल देता है। ठीक है, अवर एक क्या है सीएमआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में क्या है टीडीएस 500 से 1500 पीपीएम रहने से ये क्या है लिमिट है, मतलब इसका जो डिजरेबल लिमिट है ये तो मैक्सिमम अलाउबल लिमिट क्या है 1500। ठीक है, सो बस इतना है। सो टीडीएस मतलब क्या बोल के आप लोग को अभी कुछ आइडिया आया होगा, पर टीडीएस को मेशर करने के लिए टीडीएस मीटर में हम लोग को मेशर कर सकता है, पर टीडीएस को कंट्रोल करने के लिए आरओ वाटर से हम लोग को कंट्रोल कर सकता है, फिर टीडीएस का जो यूनिट है पीपीएम और मिलीग्राम पर लीटर है, फिर उसका जो दूसरा स्टैंडर्ड का हिसाब से जो लिमिट है ईपीए बीएएस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आईसीएमआर क्या है जो तो स्टैंडर्ड नहीं है, वो क्या है एक इंस्टीट्यूट है, वो रिसर्च है मेडिकल रिसर्च है, वही लोग को बोलता है 500 से 1500 से लिमिट रहने से वो ड्रिंकिंग वाटर में जो टीडीएस रहने से वो अच्छा है बोल के बोलता है, लेकिन ये तीनों स्टैंडर्ड है। ठीक है, ईपीए एंड बीएएस एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी आप लोग को आप ध्यान में कुछ आएगा खाली टीडीएस को देके हम लोग को पानी पीना है क्या बोल के, लेकिन ऐसा नहीं है। तो टीडीएस क्या है बहुत सारा जो पैरामीटर है उसमें टीडीएस भी एक ही पैरामीटर है, सो टीडीएस का छोड़ के और एक पैरामीटर भी हम लोग को आपका जो ड्रिंकिंग वाटर में जो लिमिट में रहना चाहिए उसके बारे में हम लोग अलग वीडियो में चेक करेंगे। सो ये वीडियो कॉमन वीडियो है, सभी लोग को पास ये वीडियो जाना है, सभी लोग को हम लोग को क्या जो पानी हम लोग को पी रहा हूं उसमें क्या क्या जो मिनरल्स रहता है, क्या क्या हम लोग को जो लिमिट हम लोग को फॉलोअप करना है, अगर उसमें लिमिट है कि नहीं है ऐसा कुछ चेक करके जो पीना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द डिजीज हम लोग को क्या किसमें हो जाता है हम लोग पीने का पानी है ना, सो उसमें से हम लोग को ज्यादा आ जाता है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू, दूसरा वीडियो में हम लोग देखेंगे, बाय। फ्रेंड्स मैं तो एक ब्लॉगर में मैं तो है ब्लॉगर में हम लोग को क्या करता हूँ जो टेक्निकल वीडियो अभी हम लोग को यूट्यूब में जो डालता हूँ ना वही वीडियो को हम लोग को क्या करता हूँ जो उसी में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हम लोग को पोस्ट करते रहता हूँ टेक्निकल का डिटेल्स में। तो आप लोगों में क्या रिक्वेस्ट करता हूँ जो उसको ब्लॉगर को जाके देख लीजिए फिर उसको मेरे को वहाँ से जो फॉलोअप कीजिए। ठीक है, फिर उसका जो ब्लॉगर का जो लिंक है ना जो ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं दिया है जो कमेंट बॉक्स में ये कमेंट किया है, सो कीप सपोर्टिंग टू इन द ब्लॉगर इटसेल्फ। थैंक यू।